हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉकटेक प्रिंस। फ्रेंड्स, काफी समय से हम रॉकटेक प्रिंस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जहां पे आपको मल्टी सर्विस देखने के लिए मिल जाती है। यूटीआई से पैन कार्ड बनाने का मौका मिलता है, एनएसटीएल से पैन कार्ड बनाने का मौका मिलता है, यहां पे आपको मोबाइल रिचार्ज डीटी रिचार्ज भी करने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड खोए हुए गुम हुए पैन कार्ड नंबर को फाइंड करने का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। बट काफी लोगों के सवाल जो आ रहे हैं आज के टाइम में, वो आ रहे हैं यूटीआई को लेके कि सर हम अपना यूटीआई का पीएसआईडी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, क्या है सर हमको बता कर दीजिए। तो यहाँ पे यूटीआई ने भी अपना पीएसआईडी को बंद कर रखा है, ऑडिट चल रहा है, जिसकी वजह से यूटीआई अपना नया वाला आईडी क्रिएट नहीं करके दे रहा है किसी को भी। बट यहाँ पे हमारी वेबसाइट रॉकटेक प्रिंस कंपनी ने यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया है, क्योंकि हमारी वेबसाइट में अब यूटीआई का ई वॉलेट सिस्टम भी लाइव कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप यूटीआई लवर हैं तो आप यूटीआई से पैन कार्ड बना सकते हो, जैसे पीएससी से बनाते थे वैसे ही आप यूटीआई के ई वॉलेट सिस्टम से भी पैन कार्ड बना सकते हो। कैसे बनेगा पैन कार्ड, कैसे हमें सर्विस मिलेगी, कैसे क्या करना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देके जाऊंगा, तो वीडियो कंप्लीट देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे गूगल में आपको सिंपली डालना है रॉकटेक प्रिंस, बस आप इतना ही डालेंगे। हालांकि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है rocktechprince.in, आप सीधा गूगल में डालेंगे rocktechprince.in। तो जैसे आपने यहाँ पे रॉकटेक प्रिंस डाला तो ऊपर ही मेरी एक ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए आपको मिल जाएगी। साइड में हमें पैन सर्विस, फाइंड पैन, कॉन्टेक्ट, प्रोडक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ पे मेरी बिजनेस प्रोफाइल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको सिंपली पहली वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप जो है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, और कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर आपको पैन सर्विस के बारे में जानना है तो पैन सर्विस के बारे में आप क्लिक करके यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यूटीआई और एनएसडीएल के साथ हम काम करते हैं, ई केवाईसी मॉडल पे भी और फिजिकल मॉडल पे भी, दोनों मॉडल पे हम यहाँ पे काम करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर आपके पास पहले से आईडी है तो सीधा सिंपली आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, अदरवाइज आपके पास आईडी नहीं और यूटीआई का आईडी आप लेना चाहते हैं और उसी दिन से पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो सीधा आप यहाँ पे साइन अप करेंगे। सुपर आईडी को यहाँ पे ओपन कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इधर साइड में सारी ऑल इन वन सर्विस देखने के लिए मिल जाएंगी। यूटीआई का ई वॉलेट सिस्टम जो अभी हाल फिलहाल में लाइव किया हमने, वो सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा। यूटीआई का ई केवाईसी मॉडल यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप ओपन परचेज करके पैन कार्ड बनाते हो जैसे अब तक बनाते आए हो। बट यहाँ पे यूटीआई का ई वॉलेट सिस्टम यह नया आया है जो आपको बहुत ही खुश कर देगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एनएसडीएल का ई केवाईसी मॉडल भी मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप पैन कार्ड बना सकते हो। 2 घंटे के अंदर अपने कस्टमर को पैन कार्ड यहाँ पे आप दे सकते हो। पॉइंट पैन की सर्विस मिल जाती है और रिचार्ज सर्विस यहाँ पे मिल जाती है, और यहाँ पे फोटो क्रॉपिंग टूल वगैरह सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। बट आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पे यूटीआई ई वॉलेट सिस्टम। यहाँ पे जो बैलेंस कटता है आपको यहाँ पे कोई कूपन खरीद के रखना नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे आप सीधा करेंगे यूटीआई ई वॉलेट सिस्टम पे क्लिक। तो यहाँ पे हमने जैसे ई वॉलेट सिस्टम पे क्लिक, दो ही ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको वॉलेट हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे कूपन खरीदने की टेंशन ही नहीं है भाई, सीधा मिलेगा फिर यूटीआई ई वॉलेट लॉगिन। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा यूटीआई टीएसएल ऑटो लॉगिन, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। बट यहाँ पे आप क्लिक करने से पहले आप अपने गूगल क्रोम का इंश्योर कर ले कि पॉपअप ऑन है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉपअप विंडो ऑन होती है। वो कैसे चेक करना होता है, क्योंकि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी क्या होता है कि मेरा तो डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड अलग से एक नया पेज खुल गया। बट किसी ब्राउजर का अगर पॉपअप ब्लॉक्ड रहता है तो ये यहाँ पे कितनी बार आप क्लिक करो ओपन नहीं होगा। तो पहले आप जाएंगे सीधा गूगल क्रोम के 3 डॉट में कॉर्नर में ऊपर मिलेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सीधा सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद सीधा यहाँ पे आपको प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाने के बाद सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और साइट सेटिंग आपको सबसे लास्ट में मिलेगा नीचे, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सीधा नीचे जाएंगे और नीचे सबसे नीचे आपको मिल जाएगा पॉपअप्स एंड रिडायरेक्ट्स का, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो फर्स्ट में ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा
ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो काफी लोगों का यहाँ डोंट अलाउ वाले पे ऑप्शन पे क्लिक रहता है, बट मेरा यहाँ पे ऊपर साइड रिडायरेक्ट वाले पे क्लिक है। तो आप एक बार चेक कर ले कि हमारा नीचे क्लिक है तो आप ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपका ऊपर टिक लगा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी विंडो आराम से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। बस ये जरूर से आप ट्राई कर ले कि पॉपअप ऑन ऑफ तो नहीं है हमारा। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो मेरा ये डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, UTI का ई वॉलेट वाला सिस्टम, और यहाँ पे दिखा रहा है कि योर अकाउंट इज नॉट रजिस्टर्ड विद UTI TSL में। तो यहाँ पे सिंपली एक फॉर्मेलिटी हमको पूरी करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है हमें पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मेनू हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो सिंपली से मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो कुछ यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, टर्म एंड कंडीशन है, इसको हमें नीचे कंसर्न पे टिक करके और सीधा नीचे हमें एक फॉर्म पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। बेसिस की डिटेल है आपको यहाँ पे फिल करनी है, फिल करने के बाद सीधा सबमिट कर देना है। तो जैसे हमें यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस होने के बाद आपको यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन वेली सक्सेसफुल हो जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे वो पेज कट कर देंगे, पेज कट करने के बाद सीधा फिर से UTI वॉलेट लॉगिन पे आएंगे और यहाँ पे UTI ऑटो लॉगिन यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे UTI ऑटो लॉगिन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा था, बट आपको आप देख रहे नोटिस करेंगे तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख गए कि नया अप्लाई करना है, चेंज करना है, पेन ऑब्जेक्शन, ट्रैक पेन ऑब्जेक्शन, MIS रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट पेंडिंग रिपोर्ट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गई है। तो इस तरह से आपको जो है नॉर्मल सी बेसिक सी डिटेल आपको फिल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। देन उसके बाद आप यहाँ पे आप नया पेन अप्लाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, पेन ऑब्जेक्शन में जाके अपने ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे अप्लाई न्यू पेन पे क्लिक करूंगा और अप्लाई और जो न्यू फॉर्म 49 ये होता है उसको मैं क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पैन फॉर्म की तरह ओपन हो जाएगा और इसको मैं क्लिक करने के बाद आपको कुछ जाना पहचाना डैशबोर्ड दिखेगा। जैसे हम PSA में काम करते थे सेम टू सेम वैसे ही उसी प्रोसेस में हमें यहाँ पे काम करना है। हमें आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, फिजिकल मोड और डिजिटल मोड। डिजिटल मोड में आप आधार कार्ड के माध्यम से, फिंगरप्रिंट और OTP के माध्यम से पैन कार्ड बना सकते हो और 2 घंटे में अपने यूजर को पैन कार्ड यहाँ पे आप दे सकते हो। बट यहाँ पे फिजिकल मोड में क्या होता है कि आपको कस्टमर की जरूरत नहीं होती है, आप उसके डॉक्यूमेंट ले ले और डॉक्यूमेंट के बेस पे आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, फुल ट्यूटोरियल वीडियो है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके जरूर से चेकआउट करना अगर आपको पैन कार्ड बनाना नहीं आता है डॉक्यूमेंट से। और यहाँ पे आपको सीधा इंडिविजुअल जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद NRI है तो NRI क्लिक करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। देन उसके बाद बोथ फिजिकल एंड ई पैन कार्ड पे आप क्लिक करके सीधा सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक एक ऑप्शन आपको फिलअप करने पड़ेंगे। जैसे हम PSID में करते डिक टू सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है। बस चेंज है तो इतना कि यहाँ पे हमें कूपन खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो है हमारे मेन वॉलेट से पैसा कटेगा, इस वॉलेट से आपके पैसा कटेगा, यहाँ पे कूपन खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो बस यही बताना था, बाकी अगर कोई भी मन में आके कंफ्यूजन रहा हो, डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप इसे कमेंट कर सकते हो। और एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कितने लोग UPI के PSA कूपन वाले सिस्टम को पसंद करते हैं और कितने लोग यहाँ पे UPI के ई वॉलेट वाले सिस्टम को पसंद करते हैं, मतलब आपको कौन सा सिस्टम अच्छा लगता है, कूपन वाला सिस्टम अच्छा लगता है या फिर UPI का ई वॉलेट वाला सिस्टम आपको अच्छा लगा है, दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बताना कि हम UPI से पैन कार्ड पसंद करते हैं बनाना या फिर NSDL से पैन कार्ड क्या पसंद आप करते हैं, मतलब आपको क्या रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे क्या और चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप कमेंट में मुझे मालूम कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा और हो सके तो आगे तक आपकी बात में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अभी तक आपने हमारे रॉकटेक क्विज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जरूर से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, फिर उनका सा यूनिक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।